हाय एवरीवन, वेलकम टू अडोब गोस्ट। तो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो। सिर्फ Amazon एफिलिएट वेबसाइट ही नहीं, आप किसी भी एफिलिएट वेबसाइट को बना सकते हो। क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, पूरा का पूरा कंप्लीटली जो कस्टमाइजेशन वो बिल्कुल फ्री में होने वाला है। कोई भी एक भी पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। जितने भी जरूरी प्लगइन्स लगेगा वो भी कंप्लीटली फ्री रहेगा, जो थीम लगेगा वो भी कंप्लीटली फ्री है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, अपने आप में जो एक बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो वीडियो के साथ कंप्लीटली एंड तक बने रहना। डेमो देखना चाहेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रही हो gemato.com और इसका यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जो है आप एक पोस्ट दिखाई दे रही है और इन पोस्ट में आपको इन सारी चीजें दिख रही है। अगर किसी ने, कोई भी बंदा अगर यहाँ पे बाय नाउ बटन के अंदर क्लिक करता है या फिर बाय नाउ के छोड़ के मैंने यहाँ पे कुछ भी चीजें डाल सकता हूँ। मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये साइट्स मैंने डिजाइन किया हूँ तो उनको लैंड करवा दिया है Amazon के साइट के अंदर। आप जो भी लिंक उसके अंदर पेस्ट करेंगे तो उन पर्टिकुलर उन साइट पे जो है लैंड करवा देगा यूजर को। और यूजर मैंने बना लिया सिर्फ Amazon ही नहीं, Amazon की इस प्रोडक्ट को नहीं, इस प्रोडक्ट के अंदर से किसी भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं पूरा एंटायर Amazon में से, तो उनका पैसा जो है मेरे तक पहुंच जाएगा। अगेन हम चलते हैं बैक टू द माई वेबसाइट और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर जो है वेबसाइट बिल्ड हो चुका है और ये कंप्लीटली फ्री मेथड के जरिए। तो मैं वही चीज आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सारे चीजें एक एक करके आपको करना है। और यहां पे इसका जो SEO स्ट्रक्चर यानी कि ब्रेड कैंप्स वगैरह जो है बिल्कुल एनेबल करके मैंने दिया हूं। कंप्लीट ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। सो एक पल के लिए हम इसका होम पेज को चेकआउट करते हैं, gemato.com। और यहां पर हमने गया और यहां पर देख सकते हो इसका होम पेज कुछ इस टाइप से आपको दिख रही है। और राइट नाउ यू कैन सी कि यहां पर कुछ लिमिटेड पोस्ट है और इनका पोस्ट का जो व्यू है, जो एंगल जिस प्रकार से पोस्ट आपके सामने शो हो रहा है, ये बढ़िया एंगल से शो हो रहा है। तो भाई होम पेज को भी देखने के बाद कोई भी जो है लाइक कर जाएगा इस साइट को, इस वीडियोस को। अब फाइनली बात करते हैं कि आप किसी भी एफिलिएट वेबसाइट बनाते हो तो आपके पास क्या क्या जरूरी चीजें होना चाहिए। जैसे यहां पे मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। सबसे पहले स्टेप वन, आपके पास नीच सिलेक्शन होना जरूरी है कि आप किस नीच के ऊपर काम करना चाहते हो। यहां पे भी नीच सिलेक्शन के ऊपर ही आपको काम करना होगा कि आप एजुकेशन में करेंगे, आप टेक्नोलॉजी में करेंगे, आप बेबी केयर में करेंगे, आप ब्यूटी प्रोडक्ट में करेंगे या फिर आप किसी हेल्थ नीच में करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले नीच सिलेक्शन कर लेना जरूरी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि उस नीच से रिलेटेड आपको एक डोमेन बाय करना है। जिस नीच आपने सिलेक्ट किया, जिसका कीवर्ड आपने रिसर्च कर ली पहले, उससे रिलेटेड आपको एक डोमेन बाय करना है। और स्टेप नंबर थ्री पे आपको क्या करना है, हाई परफॉर्मिंग होस्टिंग आपको एक बाय करना है। और उसको चौथी स्टेप में आपको जो है उस होस्टिंग के साथ डोमेन को कनेक्ट करना है। और स्टेप नंबर फाइव के अंदर आपको क्या करना है, देखिए जो भी आप एफिलिएट प्रोग्राम को आप अपने वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करना चाहते हो और उनसे पैसे कमाना चाहते हो तो उन एफिलिएट प्रोग्राम के साथ आपको डेफिनेटली पहले ज्वाइन हो जाना चाहिए। जैसे यहां पे Amazon एफिलिएट अकाउंट आपको पहले से होना चाहिए अगर अपने Amazon एफिलिएट वेबसाइट बना रही हो तो। तो Amazon एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाए, इंस्टेंट अप्रूवल कैसे ले, उसके भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। वीडियो आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इन पांच चीजें आपके पास पहले से होना जरूरी है। अब हम लोग रुक करते हैं उस कस्टमाइजेशन एरिया के अंदर कि किस प्रकार से आपको एक जो है एफिलिएट वेबसाइट बिल्ड करना है या फिर Amazon एफिलिएट वेबसाइट जो है कस्टमाइज करना है। तो अभी तक मैंने जिस डोमेन को आप लोगों को दिखा रहा था कि भाई इस डोमेन पे मेरा वेबसाइट कंप्लीट बन चुका है, उसी डोमेन को मैं स्क्रैच से किस प्रकार से डिजाइन किया हूं वो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, उसको देख लीजिए। तो आप भी जो एक बार बिल्कुल स्क्रैच से जो है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हो। जैसे अगेन आप देख लीजिए डोमेन को चेक कर लीजिए, gemato.com है और इसके अंदर अभी जो रिसेंटली जो है इसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया गया, वर्डप्रेस की लेटेस्ट वर्जन जो है अभी आपको इसके अंदर दिख रही है और कुछ अलग डेटा इसके अंदर नहीं है। अब हम सीधा क्या करेंगे, इसकी एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे, जिसके लिए हम यहां पे टाइप करेंगे /wp-admin एडमिन एंड एंटर। एंड उसके बाद हम यहां से इसकी एडमिन एरिया को लॉगिन करेंगे। वेल, सो अभी देख रहे हो कि हमारा एडमिन पैनल यहां पे ओपन हो चुका है। अब पहला जो काम है, पहला जो स्टेप्स है उसको ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग कर लेना है। कोई भी वर्डप्रेस को जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ सेटिंग्स जरूरी होता है, उनको कर लीजिए। जैसे हमने सबसे पहले आएंगे जनरल सेटिंग के अंदर और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे वेबसाइट्स के साथ जो है https और उसके बाद जो www. नहीं लगा हुआ है। आप चाहे तो इसको लगा सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन जो URL आप बनाएंगे इन दोनों बॉक्स में सेम URL आपको दिखना चाहिए, ठीक है, सेम URL होना चाहिए। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और उसके बाद आपको जो सबसे नीचे का जो काम करना है टाइम जोन, आप जिस भी कंट्री को टारगेट करिए उस हिसाब से टाइम जोन को सेट कीजिए ताकि वहाँ पे जब आपका साइट रैंक करेगा तो उनका टाइम जोन के हिसाब से जो है उनको टाइम दिखाया जाएगा।
जैसे कि मैं इंडिया के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा +530 के अंदर, +530 यहाँ पे देख सकते हैं, +530 UTC, +530 जो है हमारा इंडिया का टाइम जोन है। अभी हम इसको सेव चेंजेस करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहाँ से साइट टाइटल को चेंज कर सकते हो, अगेन साइट का टैगलाइन जो है उसको चेंज कर सकते हो, टाइटल को चेंज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। और जो मेन काम है आपको परमालिंक्स एरिया में आना है और यहाँ पे परमालिंक स्ट्रक्चर जो है डे एंड नेम पे सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्ट करना है पोस्ट नेम पे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। ओके सो ये काम कर लेना है। और एक काम आपको करना है, यहाँ पे डिस्कशन एरिया में आपको आना है और यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग के अंदर ये जो एलो लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम द अदर ब्लॉक्स पिंग बैक एंड ट्रैक बैक्स, इसको आपको अनचेक कर देना है और नीचे आके इसको सेव चेंजेस कर देना है। तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग हम लोगों ने कर ली। अभी हमारा ये जो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बन रही है इसका थीम हम लोग सिलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से कौन सा थीम जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे थीम है, कोई सा भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक ऐसा थीम जो बिल्कुल फ्री है लेकिन आपको वर्डप्रेस लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको आपके ब्राउजर में टाइप करना है RISHITHEME एंड उसके बाद एंटर बटन दबाना है। तो ऋषि थीम हमने यहाँ पे टाइप किया और ऋषिथीम.com जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक करके अंदर जा रहे, फिर डाउनलोड बटन के अंदर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भरना है और उसके बाद डाउनलोड नाउ बटन के अंदर क्लिक करना है एंड उसके बाद डाउनलोड नाउ। ओके स्वीट, योर परचेस इज कंप्लीट। ऋषि थीम की तरफ से आपको थीम मिल गया है। थीम का प्राइस देख सकते हो $0 है, टोटल प्राइस $0 है। ऋषि थीम का लाइसेंस की भी आपको मिल गया है और साथ ही साथ आपको ऋषि थीम का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज अगर आपने जिस ईमेल आईडी को यहाँ पे डाले हो उस ईमेल पे भी आपको एक लिंक चला गया होगा ऋषि थीम की तरफ से, वहां से भी क्लिक करके आप जो है ऋषि थीम की इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी आप देख सकते हो मेरा फाइल जो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है जिप फॉर्मेट में। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इस टैब को भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ से अगेन आएंगे, थीम का एड न्यू सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको अपलोड थीम के सेक्शन के अंदर जाना है, उसके बाद चूज फाइल करना है। ऑलरेडी मैंने ऋषि थीम का इससे पहले भी जो एक वर्जन इंस्टॉल किया था सेम वर्जन, अब भी फिर जो है मैंने यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल किया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ओपन बटन के अंदर क्लिक करूंगा, उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक करूंगा। सो फाइनली यहाँ पे जो हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक हाइलाइट्स दिख रही है इंस्टॉल ऋषि कंपेनियन, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये छोटा सा एक प्लगइन है जो कि ऋषि थीम की तरफ से मिलता है आपको, आप इस कंपेनियन को जो है कंपेनियन प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके सो ऋषि कंपेनियन जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब ऋषि का डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें, आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो, साइट आइडेंटिटी, थीम का कलर सेट कर सकते हो, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, हेडर बिल्ड कर सकते हो, ब्लॉग सेटिंग में चेंजेस कर सकते हो, पेज सेटिंग में, साइड बार सेटिंग में एंड फुटर बिल्डर में आप इसको चेंज कर सकते हो। बाद में हम एक एक करके इन सारे चीजों के ऊपर जो हमारा यहाँ पे लगेगा उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। अब हम एक बार चेक करते हैं प्लगइन एरिया में, इंस्टॉलेड प्लगइन एरिया में क्या क्या एक्स्ट्रा प्लगइन जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के समय मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका था, जैसे एंटी स्पैम अभी हम मेरे को नहीं चाहिए एंड हेलो डेली ये भी मेरे को नहीं चाहिए। इन दोनों प्लगइन्स को मैंने सिलेक्ट किया, इसको डिलीट पे चूज किया एंड अप्लाई कर दी एंड यहाँ पे ओके बटन के अंदर क्लिक कर दिया, तो ये दोनों प्लगइन जो है मेरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मैंडेटरी प्लगइन्स है, दो प्लगइन्स के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत सारे लोगों ने जो आपको एलिमेंटर सजेस्ट करता है, लेकिन मैं आपको एलिमेंटर सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं दो छोटे छोटे प्लगइन सजेस्ट करूंगा जिन प्लगइन्स के थ्रू आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स को जिस प्रकार से मैंने डेमो दिखाया हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप जो है उसका लुक दे सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो एंड उसको जो है रैंक वगैरह करा सकते हो। क्योंकि जितना प्लगइन्स आपके यहाँ पे कम काम में लगेगा उतना ही आपका वेबसाइट का स्पीड वगैरह जो है एनहेंस रहेगा। तो हम जाएंगे एड न्यू प्लगइन के अंदर। अच्छा यहाँ पे एक हाईलाइट दिख रही है टू रिसीव दिस ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, अर्थात यहाँ पे जो बताया जा रही है कि ऋषि थीम की डैशबोर्ड के अंदर अगर अपने ऋषि थीम की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह, ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह रिसीव करना चाहते हो तो आप इसको एक्टिव कर दीजिए। तो डेफिनेटली आप इसको एक्टिव कर दीजिए। ओके सो फाइनली एक्टिव कर दिया, तो अगेन जो है ऋषि थीम की डैशबोर्ड के अंदर लेके आ गया है। हम लोग अगेन जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर, सॉरी प्लगइन एरिया में, इंस्टॉल प्लगइन एरिया में एंड ऐड न्यू एरिया में।
सो अब यहां पे हम लोगों ने दो प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला प्लगइन है AFFILIATE एफिलेट एंड एक्स, वेल एफिलेट एक्स, ये वाला प्लगइन बहुत धमाकेदार प्लगइन है। देख सकते हो इसका जो इंस्टॉलेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल नया आया है मार्केट में, बहुत तेजी से इसका इंस्टॉलेशन ग्रोथ हो रही है। 1000+ इंस्टॉलेशन है, कल मैंने इसका देख रहा था 700-800+ एक्टिव इंस्टॉलेशन था, लेकिन अभी जो है ये बहुत तेजी से इंस्टॉल ले रही है। तो आपको भी इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ये इसका लेटेस्ट अपडेट भी देख सकते हो कि 6 दिन पहले का है, और इसका मोर डिटेल्स अगर आपने देखना चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हो कि एफिलिएट एक्स प्लगइन का क्या क्या 5-स्टार रेटिंग वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ मिला हुआ है इसको। इसका डेमो देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे व्यू डेमो के अंदर अगर आपने क्लिक करेंगे तो एफिलिएट एक्स का डेमो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी तरह बनाना है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि क्या क्या डेमोस आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे चीज़ें जो है आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसका पेड वर्जन भी है, जैसे आप थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको प्रो में मिलता है, लेकिन प्रो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप इसका फ्री वर्जन से शुरू कर सकते हो। जब आपके अंदर ट्रैफिक आ जाए, जब आपके अंदर कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा ना, तो आप इसकी पेड वर्जन को ऑब्वियसली यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्टिव सा प्लगइन है, बहुत ही हाई सीटीआर वाला प्लगइन है, एंगेजिंग वाला प्लगइन है, आपकी कन्वर्सेशन रेट में बहुत हाई एंगेज लाएगा और आपका जो अर्निंग्स है उसको 2-3 गुना या फिर 5 गुना जो है बढ़ा सकता है, ठीक है। इसको हम टैब को क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और अब हम लोगों ने एफिलिएट एक्स प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। ओके, अब हम इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। वेल, अभी हम लोग यहां पे और कुछ काम नहीं करेंगे, आगे चल के और एक दो प्लगइन्स को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना, आपको सारा डिटेल पता लग जाएगा। अब हम जाएंगे यहां पे पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे एक पोस्ट पड़ा रहता है, जैसे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट रहता है, इसको आप थ्रस कर दीजिए। ओके, आप चाहे तो थ्रस एरिया से इसको कंप्लीट लीजिए डिलीट कर सकते हो, डिलीट परमानेंटली। वेल, अभी आपका आपके साइट के अंदर कोई भी जो है पोस्ट नहीं दिख रहा है, एक बार मैं विजिट साइट करके आपको दिखा रहा हूं। ओके, अभी आप देख रहे हो कि गेमाटू सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रही है और कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। मैं अगेन जाऊँगा गेमाटू के डैशबोर्ड के अंदर। अच्छा, उससे पहले मैं इसको एक बार डुप्लीकेट टैप कर लेता हूँ ताकि हमको आने वाले टाइम पे काम में आ जाए। तो हम फर्स्ट वाले टैब के अंदर अगेन डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं, फिर से पोस्ट एरिया के अंदर हम चल के सबसे पहले हम लोग कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ये जो एफिलिएट अकाउंट है या फिर मेरा ये जो एफिलिएट वेबसाइट्स है, ये गेमिंग रिलेटेड जो आइटम्स है उसके ऊपर बेस्ड करके, ठीक है। इसीलिए मेरा डोमेन नेम यहाँ पे देख सकते हो gamato.com। तो गेमिंग रिलेटेड जो एफिलिएट वेबसाइट होता है, गेमिंग रिलेटेड जितने भी सारे आइटम्स होता है अमेजन के अंदर, उन सारे आइटम्स को हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे और उनको जो है ऑर्गेनिकली रीच देंगे, ऑर्गेनिकली उसको रैंक करवाएंगे और उससे जो कन्वर्सेशन लाएंगे आने वाले समय पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरीज उससे रिलेटेड ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया गेमिंग चेयर, राइट। सो ये मेरा एक कैटेगरी हो गया, मैं इसको एंटर बटन दबाऊंगा तो मेरा कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गया, देख सकते हो इसका स्लग भी बन गया है, गेमिंग चेयर हो गया। उसके बाद देख सकते हो कि गेमिंग एंड लैपटॉप, ये भी हो गया, राइट। उसके बाद हो गया माउस, यस। उसके बाद हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं कैटेगरी फिट करना चाहता हूँ एक्सेसरीज, जिसका ए को मैं यहाँ पे बड़ा कर देना चाहता हूँ। वेल, एंड उसके बाद जो है मैं अगेन एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेसरीज, माउस, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग चेयर, तो यहाँ पे चार जो है मेरा यहाँ पे पोस्ट, सॉरी यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, साफ कैटेगरीज भी आने वाले समय पे मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चार कैटेगरीज से जो हमारा काम शुरू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट कर दिया, अब हम जाएंगे यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला काम हमारा पोस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद कुछ पोस्ट क्रिएट करने के बाद हम एंड में जो इसकी कस्टमाइजेशन दिखाएंगे, एकदम बिल्कुल मेरी तरह जो है आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑल पोस्ट के अंदर, तो अभी इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा एड न्यू पोस्ट के अंदर। अब यहाँ से जो है असली खेल शुरू होता है, यहीं से जो आपका एफिलिएट एक्स प्लगइन का जो है काम शुरू होता है, और इसी के थ्रू आप पोस्ट को हाई एंगेजिंग बना सकते हो या फिर ब्लॉग पोस्ट को या फिर आर्टिकल को, एंड उससे जो अच्छे कन्वर्सेशन ला सकते हो। तो मैंने यहां पे सबसे पहला एक टाइटल डालना चाहूंगा कि हाई परफॉर्मेंस, तो मैंने कुछ इस प्रकार से एक टाइटल बना लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ये टाइटल आप बना रही हो, ये आप भी आपको कीवर्ड रिसर्च करके निकलना होगा कि किस प्रकार से टाइटल बनाएंगे, क्योंकि किस प्रकार से लोग जो है ज़्यादा सर्च करता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च तो डेफिनेटली करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पे एक जो है टाइटल सेट कर दिया,
अभी हम जाएंगे यहां से हमारे Amazon एफिलिएट अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे मैंने Amazon एफिलिएट अकाउंट्स को ओपन करके रखा हूं, और यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे Amazon एसोसिएट की जो साइट स्ट्राइप है वो यहां पे ओपन है, राइट। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने Amazon एफिलिएट के साथ ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन होना है, किस प्रकार से ज्वाइन होना है, उसका भी कंप्लीट वीडियो मैं अगेन कह रहा हूं कि वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके जरूर से चेकआउट कीजिए, तब चल के आपके सामने Amazon एसोसिएट या फिर Amazon एफिलिएट प्रोग्राम की डैशबोर्ड ओपन होगा, और इस प्रकार से आपकी कितना सेल्स हो रही है, क्या क्या क्लिक्स आ रही है, क्या क्या कन्वर्सेशन बन रही है, क्या क्या कमीशन बन रही है, वो सारी चीजें आप यहां से मैनेज कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो लिंक कैसे लेना है उसके ऊपर भी मैंने उसी वीडियो में सारे डिटेल बताया हूं, तो मैं अगेन कह रहा हूं कि इस वीडियो को ऑब्वियसली देख लीजिए, तब भी आप जो है ये 2022 में जो है अच्छे से एक Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। सारे के सारे डिटेल फुलफिल करने के बाद इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाएगा, सेकंड्स के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब हम यहां पे सर्च करेंगे गेमिंग चेयर, ओके, एंड उसके बाद यहां पे देख सकते हो अंडर यहां पे हमने प्राइस भी फिट कर देते हैं, जैसे यहां पे देख सकते हो 1000 से 2000 एंड ओवर 3000 के ऊपर मैंने इसको क्लिक कर दिया, तो गेमिंग चेयर हमारे सामने आ चुका है। जो भी चेयर यहाँ पे दिख रही है लगभग लगभग आप देख सकते हो कि सारे के सारे 10,000 से 20,000 के रेंज के अंदर ही है, 10,000 से कम में भी आपको मिल रहा है। तो आई थिंक मैं इनमें से किसी एक चेयर को लेके सबसे पहला डेमो दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला एक चेयर है जो कि 11,351 रुपीज है इसका प्राइस है, तो मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये वाला पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा Amazon का। अब यहां से जो शुरुआत हो रही है, सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल्स भी हम देख सकते हैं, इन प्रोडक्ट की डिटेल्स को जो अभी मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप कॉपी मत कीजिए। हाँ, जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट का नाम है उसको तो आपको डेफिनेटली कॉपी करना होगा, प्रोडक्ट की कलर वगैरह ये तो आप देख ही सकते हो कि क्या कलर है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन एक Amazon एफिलिएट ब्लॉग का क्या फंडामेंटल है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी सेम चीज है, जैसे हम लोगों ने ब्लॉगिंग करते हैं उसको ऑर्गेनिकली रीच कराते हैं, ये भी सेम चीज है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ऐसे डिस्क्रिप्शन, ऐसे डिटेल्स लिखना है ताकि यूजर को लगे कि आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज किए हो और उसका बेनिफिट आपको पता चला, तब चल के आप खुद का जो ओपिनियन है वो यहां पे शेयर करियो। तो इससे इसी से ही जो कॉन्वर्सेशन मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे वहां से Amazon से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे, तो आप सोच रहे हो कि भाई Amazon को छोड़ के लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा और वहां से आपके लिंक के थ्रू जो है परचेस करेगा, ये सोचना आपके लिए गलत है। क्योंकि लोग आज के मार्केट में जितने भी लोग ऑनलाइन पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाता है, उससे पहले उसका रिव्यू देखना चाहते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो आपका आपके पास से वो रिव्यू ले रहा है, और रिव्यू देखने के बाद उनको पसंद आया तो हो सकती है यहीं से सीधा जो है Amazon पे लैंड कर सकता है, ठीक है, उससे जो आपका कन्वर्सेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाई एंगेजिंग कॉन्टेंट लिखना है, ऐसा कॉन्टेंट लिखना है जो कि आप खुद इसको यूज किए हो, या फिर आपके टीम मेंबर ने उसको यूज किया, या फिर आपके ऑफिस में उसको अभी यूज किया जा रहा है। तो किसी इस प्रकार से जो है कुछ रियलिस्टिक बातें आपको यहां पे बताना है, तब चल के आपका कन्वर्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाता हूं कि कैसे करना है चीजें। जैसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो चीजें है इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसका टाइटल को यहां से मैंने कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैं जाऊंगा यहां पे और इसको यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो यहां पे देख सकते हो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, चाहे तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, चाहे आप इसको इटैलिक कर सकते हो, कुछ भी चीजें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कुछ यहां से कुछ इस प्रकार से बन गया। अब यहां पे फिर से मैं आता हूं अगेन, और यहां पे इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आप देख सकते हो, प्रोडक्ट की ये डिटेल्स हम आगे जुड़ेंगे, कहां कहां पे जुड़ना है, अबाउट दिस आइटम, अबाउट आइटम के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम मेरे को जो एक इमेजेस चाहिए, जैसे कि ये वाला इमेजेस भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये इमेजेस अगर आपको लगाना है, या फिर यहाँ पे एक इमेजेस है इसको भी लगाना है, या फिर इसको लगाना है, तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर हम लोग डालेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट ओवरव्यू के अंदर ये वाला इमेजेस को हम लोग डालना चाहते हैं, तो इस इमेजेस के अंदर हम लोगों ने क्लिक किया और इसके अंदर हम लोगों ने क्लिक किया, तो इमेजेस बड़ा हो जाएगा, और इसको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो सेव इमेज एस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सिस्टम पे ये इमेजेस जो है सेव होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम पे ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ और भी कुछ चीजें आपको डेफिनेटली लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लूंगा, ठीक है। ये जो ब्लॉक लूंगा, इस ब्लॉक के अंदर देख सकते हो ब्राउज ऑल का सेक्शन आपको मिल रही है, और यहाँ पे एफिलिएट एक्स का जितने सारे ब्लॉक्स आपको फ्री में मिल रही है वो आपको भाई यहाँ पे दिखाया जा रही है टॉप पे, ठीक है। तो आपको इनमें से यहाँ पे सबसे पहला जो ब्लॉक्स ऐड करना है, एफिलिएट एक्स सिंगल प्रोडक्ट,
वेल सो यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे इमेजेस अपलोड इमेजेस कीजिए। अभी जो इमेजेस मैंने यहाँ पे अपलोड इमेजेस कीजिए अगेन, तो जो इमेजेस मैंने यहाँ पे अभी अभी डाउनलोड किया है आप इसको थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, साइट की स्पीड वगैरह एनहेंस करने के लिए आप इमेजेस को कंप्रेस भी कर सकते हो और यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ALT टेक्स्ट लगा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हो मैं अगेन लिखूंगा यहाँ पे मेरा जो टाइटल है उसको मैं यहाँ पे ALT टेक्स्ट के रूप में यहाँ पे यूज करता हूँ हर एक ब्लॉग में। उसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट कर दी। अच्छा, इस इमेजेस 66 के भी है, उतना ज़्यादा इसका जो है हैवी वेट नहीं है, आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा इमेजेस ऐड हो चुका है। ठीक है, अब राइट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रही है, जैसे लेआउट सेटिंग सबसे राइट में सबसे ऊपर में जो है लेआउट सेटिंग, किस लेआउट में आप इसको रखना चाहते हो। जैसे लेआउट वन हो गया, लेआउट टू में अगर आपने रखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से होगा, टॉप में इमेजेस दिखाई देगा और नीचे जो है उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल्स वगैरह दिखाई देगा। अगर आपने लेआउट थ्री में रखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सबसे पहले यहाँ पे इमेजेस दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन और उसके राइट साइड में जो है यहाँ पे CTA यानी कॉल टू एक्शन का बटन जो है आपको दिखाई देगा। जैसे मैं मेरे यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा था लेआउट वन, इसी को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल, अच्छा यहाँ पे रिबन सेटिंग, एक रिबन का सेटिंग जैसे मैंने आपको दिखाना चाहूंगा रिबन सेटिंग क्या चीज है। देखिए रिबन सेटिंग के अंदर आपको जाना है, इसको एनेबल कर देना है। ओके, तो ये सेल यहाँ पे दिख रही है, आप यहाँ पे रिबन को जो है चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हाई, ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो अपने हिसाब से इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे रिबन वन, यहाँ पे रिबन का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रिबन वन की जगह आपको रिबन टू करना है तो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे, अच्छा रिबन का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, वो कहाँ से चेंज करना है मैं बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आ जाना है जनरल सेटिंग के अंदर, अभी नीचे जनरल सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनेबल बटन, ये जो बटन है बाय नाउ का बटन है, एनेबल प्रोडक्ट इमेज, ये प्रोडक्ट इमेज मैंने एनेबल करके रखा हूँ। इमेज का अलाइनमेंट जो है मैंने लेफ्ट में देके रखा हूँ, अगर आप चाहे तो इसको राइट में दे सकते हो। ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट में दिया। इमेज विड्थ जो है ये इनर हाइट जो बाय डिफॉल्ट विड्थ है उसी को लिया है, अगर आप चाहे तो इमेज को इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। जैसे मैंने इसको कस्टम किया तो यहाँ पे इमेज विड्थ जो है 33 बन गया और यहाँ पे इमेजेस का जो साइज है थोड़ा सा छोटा हो गया। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इमेज के बारे में यहाँ पे जितना टेक्स्ट लिख रही हो, ये टेक्स्ट का साइज जितना हो रही है उस हिसाब से बाद में आप इसको अरेंज कर सकते हो कस्टम में क्लिक करके, और इसका जो विड्थ है उसको चेंज करके कैसे, जैसे मैंने इसको 33 है तो मैंने इसको 30 करूंगा तो इसका साइज और भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, इमेज सोर्स। इमेज सोर्स का मतलब क्या है कि अपलोड, जो इमेजेस यहाँ पे दिखाई जा रही है ये अपलोड किया हूं मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगर आप चाहे तो यहाँ से सीधा एक्सटर्नल सोर्स को भी यूज कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे अगर आपने इमेजेस की लिंक को लगा देंगे तो यहाँ पे इमेजेस जो प्रीव्यू होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपलोड कीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक को अगर आपने यहाँ पे लगाएंगे हो सकती है कि उनके सर्वर जो है कभी डाउन गया तो आपका यहाँ पे इमेजेस जो है शो नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इस वजह से आप इस प्रकार से इमेजेस को पहले अपने सिस्टम पर डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपके सर्वर पे अपलोड कीजिए एंड यहां पे उसको शो करवाइए। ठीक है, तो मैं अपलोड के ऊपर ही क्लिक रहने देना चाहता हूं। अब यहां पे देखिए एक बॉर्डर का ऑप्शन है, ये बॉर्डर कहां पे लगेगा ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने बॉर्डर सर्कल में लगाना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से है, इनिशियली जो है कुछ इस प्रकार से दिख रही है। आप इसको चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहां पे ये डॉट को पसंद करता हूं, ये डॉट मैंने यहां पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहां पे मैंने इसके अंदर क्लिक करूंगा तो यहां से जो कलर है कलर को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, अब कलर मैंने चेंज कर दी, ये डॉट कहाँ पे लग रही है आप ध्यान से देख लीजिए, ये डॉट कुछ यहाँ पे इस जगह पे लग रही है प्रोडक्ट की डिटेल्स जहाँ पे आप दे रही हो। ठीक है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ब्लैक कर दीजिए या फिर आप अपने थीम के हिसाब से जो भी आपका साइट का कलर है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे आप ब्लू भी कर सकते हो जो अच्छा लगेगा चीजें। ठीक है, तो मैंने इसको अभी ब्लू में सेट कर देता हूँ। वेल, तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। अगर आप ओके, सो अगेन मैं चलता हूँ यहाँ से जनरल सेटिंग के अंदर, और हाँ यहाँ पे कुछ भी चीज़ें अगर आपने इसको रिस्टोर करना चाहते हो यानी आपने इसको रिडू करना चाहते हो तो यहाँ पे एक जो छोटा सा आइकन बन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें रिडू हो जाएगा यहाँ से, जो कलर का जो अभी आपने बॉर्डर बनाए हो। अच्छा, इस बॉर्डर का आइकन को आप और भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको आप डबल भी कर सकते हो, इसको आप क्लिक करके इस प्रकार से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहते हो इसको छोटा छोटा इस प्रकार से डैश लाइन या फिर डॉटेड बना सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है डैश लाइन मेरे को और भी अच्छा लग रहा है तो इसी को मैं यहाँ पे रहने देना चाहता हूँ। बॉर्डर का हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर को रेडियस कर सकते हो, बॉर्डर के अंदर शैडो दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बॉर्डर आपने डाला है इसका भी एक शैडो बना सकते हो। तो यहाँ पे नन बटन के अंदर आप क्लिक करेंगे, एनेबल डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे इसको एनेबल कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडर को इधर उधर कीजिए तो आपका यहाँ पे शैडो बन जाएगा। राइट, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवाइडर है, डिवाइडर अभी नान दिख रहा है, अगर आप चाहे तो इसको डिवाइडर भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ डिवाइडर यहाँ पे टाइटल के नीचे सेट हो गया है। ठीक है,
इसका कलर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइडर भी एक सेट हो चुका है, तो कुछ इस प्रकार से आप डिवाइडर भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे का जो सेटिंग है टाइटल सेटिंग, तो टाइटल के अंदर एनेबल टाइटल, यहाँ पे आप इस टाइटल को नहीं देना चाहते तो इसको ऑफ कर दीजिए तो टाइटल नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे टाइटल एनेबल कीजिए। टाइटल का जो टैग है वो H2 है, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। टाइटल को आप लेफ्ट में रख रही हो, आप सेंटर में रखना चाहते हो, आप राइट में अलाइनमेंट करना चाहते हो, किसी जगह आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सब टाइटल, राइट, ये जो चीज़ है ये सब टाइटल है। और अच्छा, टाइटल के नीचे सब टाइटल जो है अभी ये ऑफ है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे सब टाइटल डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप इस प्रकार से इसको ऑन रखिए। रेटिंग सेटिंग, आप यहाँ पे रेटिंग भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रेटिंग डालना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से जो रेटिंग भी आपको दिख जाएगा कि ये है रेटिंग और ये वाला चीज़ें है, ठीक है। अच्छा, रेटिंग का स्कोर आप देख सकते हो, यहाँ पे रेटिंग स्टार 25 दिख रही है, जो भी है स्टार का साइज है शायद, हाँ स्टार का ये जो स्टार है इसका साइज 20 पिक्सल्स दिख रही है। आप चाहे तो स्टार का साइज को और भी छोटा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 20 पिक्सल्स रख सकते हो। और यहाँ पे स्कोर बॉक्स में आपको दिख रही है कि यहाँ पे एक स्कोर बॉक्स भी आप ऐड कर सकते हो इस प्रकार से, जैसे कि 8.5 आउट ऑफ 10 कुछ इस प्रकार से दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको स्टार रेटिंग इस प्रकार से 5 स्टार डाल देना, ठीक है। स्टार अलाइनमेंट जो है आप इसको लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, किसी भी जगह रख सकते हो। प्राइसिंग सेटिंग आप यहां से कर सकते हो, एनेबल प्राइसिंग, जैसे इस प्रकार से आप प्राइसिंग यहां पे सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप शुरुआत में ही जो ब्लॉक्स बना रही हो, जो एफिलिएट एक्स के थ्रू जो ब्लॉक्स बना रही हो, उसके अंदर आप प्राइस को मत रखिए, ताकि लोग ब्लॉग पढ़ने के लिए आएगा और प्राइस देख के ही, टॉप पे ही प्राइस देख के भाग जाएगा, क्योंकि हम दूसरे अलग से जो है यहाँ पे टेबल बनाएंगे, अलग से जो ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे एफिलिएट एक्स के थ्रू, जहाँ पे हम लोगों ने प्राइस डालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। और कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो, अगेन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रेटिंग कलर येलो है, रिबन कलर रेड है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसको ग्रीन करना चाहते हो ग्रीन कर सकते हो, ब्लू करना चाहते हो ब्लू कर सकते हो, रेड करना चाहते हो रेड कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, रिबन कलर, ठीक है। और यहाँ पे रिबन कलर का यहाँ पे दो कलर दिख रही है, यहाँ पे मैं अगेन एक बार चेकआउट करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक रेड है, अच्छा टेक्स्ट कलर, ये रिबन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका भी आप चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। मैं अभी इसको व्हाइट ही रहने दूंगा, ठीक है। ये रिबन टेक्स्ट है पहले का, और सेकेंडरी जो है ये आपका रिबन का कलर है। तो मैं अगेन रिबन कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, रिबन कलर मेरे को रेड में ही अच्छा लग रहा था शायद, मैं इसको यहाँ से खींच के रेड तक लेके आऊँगा, तो हाई परफॉर्मेंस जो है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। वेल, तो थोड़ा सा नीचे आना है रिबन का, अच्छा रिबन कलर हम लोगों ने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे सॉलिड कलर ग्रेडियंट जो बैकग्राउंड टाइप है, ये सॉलिड कलर है, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ब्लैक हो जाए, तो मैं इसको रेडू कर देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये रेडू हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आना, टाइपोग्राफी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या क्या फॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर रहे हो, जो डिफॉल्ट थीम के अंदर है वही आप यहाँ पे यूज़ हो रही है, कोई इशू नहीं, आप उसी को यूज़ होने दीजिए। उसके बाद स्पेसिंग के अंदर भी आप जो इसको स्पेस को भी चेंज कर सकते हो, इमेज का पैडिंग, मार्जिन पैडिंग वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उतना खास काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं चीज़ें यहाँ पे दिया हूँ आप लोगों को ना, ये जो एफिलिएट एक्स प्लगइन है ये बहुत ही शानदार प्लगइन है, फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रही है यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए। एडवांस के अंदर आप एडिशनल सीएसएस ऐड करके उसको और भी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन वो आपके बस के काम नहीं है अगर आप कोडिंग नहीं जानते हो तो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हम लोगों का यहाँ पे बन गया है। अभी हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, अगेन टेक्स्ट को चेंज करके हम उसी टेक्स्ट को डालेंगे जो टेक्स्ट को हम लोगों ने अभी यहाँ से कॉपी किया था, यानी इस टेबल के बारे में जो हम लोगों ने कॉपी किया था। टाइटल के अंदर भी हम लोगों ने उसी को डाल देते हैं, हमने पहले से क्लिपबोर्ड में इसको कॉपी करके रखे है। तो अगेन अच्छा यहाँ पे सिलो, अब प्रोडक्ट का हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या था इसका प्रोडक्ट का डिटेल। तो मैंने यहाँ पे अगेन चलता हूँ और ये था सुमन मल्टी फंक्शनल गेमिंग चेयर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है टाइटल को, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है, पेस्ट कर दी और यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पे बाय नाउ बटन के अंदर आपको करना क्या है, बाय नाउ का एक बटन बन गया है, तो यहाँ पे एक बटन भी बन गया है, आपको एफिलिएट एक्स की तरफ से यहाँ पे बटन मिल गया है। बटन का लेआउट सेटिंग कर सकते हो, बटन के अंदर सेटिंग कर सकते हो, बटन के अंदर आइकन डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे एनेबल आइकन, तो आइकन के अंदर आप कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, बहुत बढ़िया प्लगइन है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सो कुछ इस प्रकार से आप चीज़ें यहाँ पे आइकन भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क कर रही है, मेरे को बहुत पसंद आ रही है ये चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने आइकन के अंदर मैंने एक आइकन यहाँ पे डाल, सॉरी यहाँ पे बटन के अंदर मैंने एक आइकन डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आइकन सेटिंग भी हम लोगों ने इसको क्लियर, इस टैब को यहाँ पे क्लोज करते हैं। कलर को चेंज करना चाहिए तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हो,
जो भी कलर आप डालना चाहते हो इसको डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर के अंदर गया और कुछ इस प्रकार से जो है मेरे को दिख रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। ब्लू मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अगेन ब्लू आएगा। अच्छा, यहाँ पे बटन के अंदर मेरे को लिंक डालना है। सबसे अच्छी बात है कि बटन के अंदर मेरे को एक लिंक देना है। फाइनली हम लोगों को इस बटन के अंदर एक लिंक डालना है, जो लिंक हमारे लिंक को फॉलो करते हुए अमेजन पर जो है यूजर को लेके जाएगा। तो हमारा लिंक क्या था, अभी हम लोगों को लिंक उठाना है इस पोस्ट का, इस डिटेल का लिंक उठाना है। तो लिंक उठाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमेजन एसोसिएट के अंदर ये जो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रही है इसके अंदर आपको क्लिक करना है। तो ये मेरा प्रोमोशनल लिंक बन गया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गेट लिंक बटन के अंदर क्लिक करूंगा, या फिर हम यहाँ से इसको कंप्लीटली जो है कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। कॉपी कर लिया मैंने, इसको कॉपी कर लिया और अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे और इस बटन के अंदर अभी मेरे को वो वाला लिंक डालना है। लिंक डालने के लिए आपको जाना होगा बटन सेटिंग के अंदर ऑयल और यहाँ पे एड रेल यानी, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जिसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। एसईओ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एड रेल नोफॉलो आपको यहाँ पे डालना है, एड रोल स्पॉन्सर्ड ये भी आपको डालना है, ठीक है। ये दोनों बटन आपको ऑन कर देना है ताकि आपका साइट के अंदर स्पैम स्कोर वगैरह नहीं बढ़ेगा। कुछ और भी इसके अंदर जो है हम लोगों ने और डिटेल एसईओ सेटिंग्स का वीडियो लाऊंगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओपन लिंक इन न्यू विंडो, इसको डेफिनेटली ऑन कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपका जो लिंक है इस बॉक्स में इसको पेस्ट कर दीजिए। वेल, आपका लिंक पेस्ट हो गया और यहाँ पे अगर आपने इस बटन का बॉर्डर देना चाहते हो, यहाँ पे नन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अगेन यहाँ पे बॉर्डर डाल सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉर्डर का कलर ब्लैक दे देता हूँ, कुछ भी कलर आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने इसको ब्लैक दे दिया तो यहाँ पे बॉर्डर के साइड में एक ब्लैक कलर भी बन गया। तो अगर आप चाहे तो इसका जो आइकन है उसको भी चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको ना दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, बटन का साइज ये देख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है और यहाँ पे फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल एंड फुल है। फ्लेक्सिबल ये आप करके रखिए ताकि किसी भी ब्राउजर पे ये जब रेंडर होगा तो उनके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। बटन का अलाइनमेंट आप देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में है, मिडिल में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, बॉक्स शैडो डाल सकते हो बटन के अंदर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे बढ़िया जितना आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा करेंगे ना उतना ही लोड होने में टाइम लेगा, लेकिन एसईओ परफॉर्मेंस भी हाई रहे और आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक भी करे, उससे आपको हाई एंगेजिंग कन्वर्सेशन भी मिले, तो ये जो एफिलेट एक्स मेरे को बहुत पसंद आया। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो पहला जो ब्लॉग्स का काम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप चाहे जैसे मैंने यहाँ पे अगेन, अब आप चाहे इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड करना है आपके हिसाब से, इस पोस्ट का जो है और भी कुछ चीज़ आपको ऐड करना ज़रूरी है, जैसे इसका जो डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत है उसका भी हम चीज़ें दिखाएंगे आपको, लेकिन अबाउट दिस आइटम ये जो चीज़ है इसको मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। अभी तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ ब्लॉग्स को फॉलो कीजिए कि किस प्रकार से कंटेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है। इवन मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट एसईओ कस्टमाइजेशन वीडियो लाऊंगा, तो उससे पहले अगर आप करना चाहते हो कुछ ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो और उससे जो है आप अंदाजा ले सकते हो। मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं और पेस्ट करने के बाद देखिए यहां पे पूरा बुलेट पॉइंट्स मेरा यहां पे आ चुका है, सारी चीज यहां पे दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं फिर से यहां पे ब्लॉग्स के अंदर जाऊंगा, ब्राउज ऑल के अंदर जाऊंगा, फिर से मैं एफिलिएट एक्स की एक शानदार ब्लॉग्स इसके अंदर ऐड करूंगा। अब हम इसके अंदर एक ऐसा ब्लॉग्स ऐड करने जा रहे हैं जो कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस का एक ब्लॉग्स है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। वेल, सो स्पेसिफिकेशंस ब्लॉग ऐड करने के बाद आपको यहाँ से सीधा जाना है लेआउट सेटिंग के अंदर। आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि आप किस प्रकार से लेआउट पे इस चीज को दिखाना चाहेंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये फ्लास्ट वाला लेआउट जो है 33 एंड 66 वाला जो लेआउट है इसी को आप रखिए, एंड उसके बाद आपका सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिकेशंस लेवल। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें राइट करना है, क्या राइट करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखता है कि प्रोडक्ट क्या है या फिर आइटम क्या है, तो यहाँ पे मैंने आइटम डाला एंड इसको मैंने कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट किया और उसको जो है बोल्ड कर दी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस वैल्यू यानी ये आइटम क्या किस बारे में है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अगेन चलता हूँ और मैंने यहाँ पे डाल के रखा था सुमन मल्टीफंक्शनल गेमिंग चेयर, ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं अगेन जो है इसका एक और टेबल लूंगा, जो जैसे हम लोगों ने टेबल फॉर्मेट में इसको ऐड करते थे कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए ब्रांड VRAND, राइट, एंड इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, ऑल सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको बोल्ड कर दी। अब ब्रांड मेरे को देखना है कि किस ब्रांड का है ये चेयर। तो ब्रांड देखने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा अगेन आपके अमेजन की उस पर्टिकुलर आइटम एरिया के अंदर, थोड़ा सा नीचे आना है और आपको सारे डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैनुफैक्चरर या
या फिर ब्रांड जो है वो सुमन है, राइट। तो मैंने यहां से इसको कॉपी करता हूं, सुमन को कॉपी किया और अगेन मैं चलता हूं और यहां पे इसको डाल के डाल देता हूं, सुमन हो गया, ठीक है। मैं अगेन इसका एक फिर से जो ब्लॉक ले लिया, फिर से एक जो है मैंने लाइन ले लिया, उसके बाद मैं अगेन चलता हूं, यहां पे देख सकते हो कंट्री ऑफ ऑरिजिन कौन से कंट्री में इसको बनाया गया है। तो मैं इसको फिर से जो यहां से कॉपी किया कुछ इस प्रकार से, मैंने इसको यहां पे फिर से ऐड करना चाहूंगा, तो यहां पे मैंने फिर से इसको पेस्ट कर दी एंड इसको पूरी सॉरी इसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद इसको बोल्ड किया। अगर आपके लेफ्ट साइड में कोई जगह बच जाए, ये थोड़ा सा आपको चेकआउट कर लेना है कि लेफ्ट में कोई जगह ना बच जाए। उसके बाद यहां पे जैसे चाइना CHINA चाइना मैंने डाल दी। उसके बाद अगेन मैं इसे इस प्रकार से ब्लॉक्स लूंगा और यहां पे मैं अगेन चलूंगा और यहां से मैं अगेन देखता हूं कि आइटम पार्ट नंबर या फिर प्रोडक्ट डायमेंशन या फिर जो प्रोडक्ट का कोड है वो यहां पे दिखाई दे रही है। जो भी चीजें आप देख सकते हो कि नीट वेट कितना है, मैं फिर से इसको कॉपी किया, राइट। इसको कॉपी करते हुए मैंने यहां पे डाल दी और मैंने यहां पे इसको इस प्रकार से डाल दिया। फिर से मैंने इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको बोल्ड कर दूंगा और इसका नीट वेट क्या है मैं फिर से यहां से कॉपी कर लूंगा। भाई बहुत ही आसान है, थोड़ा सा रैंक कराने की, थोड़ा सा SEO प्रोस्पेक्टस अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप Amazon एफिलिएट के थ्रू बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो, लेकिन मेहनत तो आपको करना होगा। ऐसे नहीं कि बिना मेहनत से लोग जो है कुछ कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहां पे चीजें जोड़ दीजिए। अगर आप चाहे तो इसके साथ जो है बॉर्डर सेटिंग अगेन कर सकते हो। जनरल सेटिंग के अंदर मैं फिर से दिखा देता हूं कि एनेबल टाइटल मैंने यहां पे डाल के रखा हूं, स्पेसिफिकेशंस अलाइनमेंट आप कर सकते हो, बॉक्स सेट दे सकते हो। बॉर्डर सेटिंग के अंदर आप फिर से आना है, आप अगर आप चाहे तो इसको भी बॉर्डर कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ब्लू में सिलेक्ट कर दी, उसके बाद इसका जो डॉटेड लाइन है मैं उसको सिलेक्ट कर दिया और यहां पे चीजें आ चुका है, ठीक है। अगेन मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ओके बॉर्डर हो गया। कलर भी चेंज करना चाहिए तो कलर चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहां पे टाइटल कलर अगर आपने चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पे क्लिक करता हूं, मैं इसे ब्लू पे चला जाता हूं, राइट। मैं यहां से चलता हूं ब्लू के अंदर, ब्लू के अंदर, ब्लू के अंदर। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो टाइटल कलर है वो यहां पे चेंज हो रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे और भी थोड़ा सा कलर है, मैं दिखाता हूँ कि कौन सा कलर, ये जो लेवल कलर है उसको चेंज करना चाहते हो, लेवल का जो वैल्यू है उसका भी कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप इसको चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर, ये पूरा का पूरा सेक्शन का बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको एक बार प्रीव्यू किया जाए तो आप देखेंगे कितना बढ़िया से जो है चीजें दिख रहा है। एक मिनट के लिए मैंने इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ। सो आप देखो Gemato। हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे बताना भूल गया कि अच्छा एक मिनट और भी कुछ काम कर देता हूँ ताकि आपको और भी चीजें यहाँ पे आसानी के साथ दिख जाए। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट का जो सेटिंग है उसको चेंज करता हूँ। परमालिंक आप देख सकते हो, परमालिंक हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा आ चुका है, मैं इसको सही करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने डॉट डाले थे। यहाँ पे देखिए 2-3 डॉट आ चुका है, मैं इसको एक ही रखना चाहूंगा। ओके हो चुका है। कैटेगरीज हमको सिलेक्ट करना है। कैटेगरीज क्या था हम लोगों का, कैटेगरीज था हम लोगों का गेमिंग चेयर, राइट। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दी। उसके बाद टैग्स वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे CHAIR गेमिंग चेयर डाल दी, इसको कोमा लगाइए तो ये अलग हो जाएगा। बेस्ट गेमिंग चेयर भी डाल दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 2 टैग मैंने यहाँ पे डाल दिए। फीचर इमेज आपको डालना है तो फीचर इमेज भी आप डाल दीजिए। यही वाला इमेज को अभी हम लोगों ने फीचर इमेज के तौर पे यूज कर लेते हैं, तो फीचर इमेज अभी हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे। और थोड़ा सा एक्सपर्ट के ऊपर जो हम लोगों ने कुछ डालने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन पे भी हम लोगों ने जो पहले से इसको ऑफ करके रखे है, हेलो पिंग बैक एंड ट्रैक बैक को, राइट। अब हम लोग इसको जो एक बार प्रीव्यू करके देख रहे हैं कि बहुत कितना अच्छा लग रहा है आपको। पोस्ट प्रीव्यू न्यू टैब के अंदर मैं फिर से चलता हूँ एंड अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो पोस्ट थंबनेल है वो टॉप पे दिखाई दे रही है, उसके नीचे जो है आपके सारे डिटेल यहाँ पे दिख रहे हो कि आपका जो चीजें है गेमिंग चेयर कैटेगरीज के अंदर आया, हाई परफॉर्मेंस गेमिंग चेयर अंडर 10,000 to 20,000, कौन इस पोस्ट को लिखा है, कितने तारीख को इसको पोस्ट को किया गया है, अभी तक कोई कमेंट्स नहीं है, सारे डिटेल आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अबाउट दिस आइटम थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो आपको इस प्रकार से दिख रही है, ठीक है। और भी थोड़ा सा हम लोग इसको एनहेंस करेंगे ताकि ये जो एफिलिएट एक्स प्लगइन है इसको यूज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से चलता हूँ, मैं पोस्ट के अंदर फिर से चलता हूँ, मैं फटाफट से इस काम को कंप्लीट करता हूँ, आप इसको देखते रहिए। और अगर आप चाहे तो इसका सेटिंग और भी चेंजेस करेंगे हम, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो बहुत बड़ा सा जो है मेरा थंबनेल आ रहा है, तो इतना बड़ा थंबनेल हम नहीं रखेंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रही हो हाईलाइट हो रही है, ये है ब्रेडकैम SEO। ब्रेडकैम SEO आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना पड़ता है, रिसी थीम आपको ब्रेडकैम SEO जो है बहुत अच्छे से करके देता है। अब यहाँ तक मैंने
मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दिया हूं। अभी हम लोगों ने पोस्ट को और थोड़ा सा एनहेंस करेंगे और इसका जो बाय नाउ बटन है या फिर इसका प्राइस के साथ जो कॉल टू एक्शन का बटन है उसको मैं फिर से यहां पे जोड़ना चाहूंगा। तो मैं फिर से एक ब्लॉक्स लिया, उस ब्लॉक्स को हमने पैराग्राफ ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया और यहां पे हम लोगों ने फिर से एक बार चल के चेकआउट करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। इसके लिए मैं फिर से क्या करूंगा, अबाउट दिस आइटम इस सेक्शन को मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके मैं वहां पे अगेन पेस्ट करता हूं ताकि पोस्ट को थोड़ा सा एनहेंस किया जाए और इसको इसके नीचे जो है कॉल टू एक्शन को लगाया जाए। ठीक है, मैं फिर से इस काम को कर दिया और उसके बाद मैं फिर से यहां से एक ब्लॉक लूंगा और इस ब्लॉक्स में ब्राउज ऑल करता हूं और फिर से जो है एफिलेट एक्स का जो सॉरी एफिलेट एक्स कॉल टू एक्शन यहां पे देख सकते हो ये वाला जो ब्लॉक्स है इसको मैं लेता हूं। ठीक है, तो इसको लेके मैं यहां पे जोड़ देता हूं और यहां पे कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आपको दिख रही है। यहां पे अगेन लेआउट सेटिंग के अंदर आपको जाना है और इसको जो है वन लेआउट, इसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे। जैसे यहां पे मैंने क्लिक किया तो ये कॉल टू एक्शन कुछ इस प्रकार से दिख रही है। ठीक है, और यहां पे मैं फिर से जाऊंगा और यहां पे कॉल टू एक्शन टाइटल को मैं चेंज करूंगा। मैं फिर से यहां पे लिखना चाहूंगा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, सॉरी बेस्ट गेमिंग चेयर। राइट, तो मैं इतना सा लिख दिया, गेमिंग का जी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, अब मैं फिर से यहां पे उसी डिटेल्स को भर देता हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से यहां पे डिटेल्स को भी भरिए यार। देखिए कुछ यहां पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अभी बाय नाउ का एक बटन आपको दिख रही है, मोर डिटेल्स का एक बटन दिख रही है। ठीक है, तो बाय नाउ बटन के अंदर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे बटन सेटिंग के अंदर आपको जाना है और अगेन जो आपको रेल नो फॉलो एंड रेल स्पॉन्सर्ड आपको डाल देना है और वो वाला लिंक को आपको पेश करना है। ये था लिंक, कहाँ पे था, मैंने इसको कॉपी, ये वाला लिंक है और इसको मैंने क्या करूंगा, ऐड डाउनलोड एट्रीब्यूट। अच्छा, डाउनलोड एट्रीब्यूट मैं नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग का यहाँ पे मोर डिटेल्स का एक बटन दिखाई दे रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे मोर डिटेल्स का बटन दिखे, डबल बटन मैं यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मैं अगेन क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो लेआउट सेटिंग एंड जनरल सेटिंग का ऑप्शन दिख रही है इस ब्लॉक का, ये जो कंप्लीट ब्लॉक्स है एफिलेट कॉल टू एक्शन ब्लॉक्स। तो हमने जनरल सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखो एनेबल बटन टू, इसको हम लोगों ने ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया तो भाई वो सेकंड बटन हट गया। फर्स्ट बटन इसके अंदर हम लोगों ने लिंक, फर्स्ट बटन के अंदर ही हम लोगों ने लिंक डाल के रखे है तो इस हिसाब से हम लोगों ने सेकंड बटन को हाइड कर दी। अब हम अगेन इसके अंदर जो है कलर डालेंगे, मतलब जो जिस प्रकार से हम शुरुआत से करते हुए आ रहा है So, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको बटर डाल दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इमेजेस अगर आ जाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो आप चाहे तो फिर से यहाँ पे एक ब्लॉक्स कुछ टेक्स्ट ऐड करके आप फिर से यहाँ पे एक ब्लॉक्स ऐड कीजिए जो कि यहाँ पे एफिलिएट एक्स सिंगल प्रोडक्ट जिसको हम लोगों ने पहले यूज किया था और इसके अंदर फिर से हम लोगों ने जो है इमेजेस डाल देते हैं। फिर से हम लोगों ने गया, हम चाहे तो ये यहाँ से जो सेकेंड इमेज को डालेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिया गया है तो मैं यहाँ से फ्लेक्सिबल वाला ये वाला इमेजेस को मैंने यहाँ पे चूज करता हूँ और चूज करने के बाद मैंने इसको यहां से डाउनलोड करता हूं। अगेन मैं सेव इमेजेस एज करता हूं तो मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद मैं फिर से यहां पे आता हूं और यहां पे मैं अपलोड करता हूं उस फाइल को। वेल, मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरा फाइल यहां पे अपलोड हो गया। एल्ड टेक्स्ट आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, मैं अभी इसको नहीं डाल रहा हूं, सिलेक्ट क्लिक कर दिया और यहां पे इमेजेस का साइज दिख रही है। मैं फिर से यहां पे टाइटल डालूंगा, जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे मेरा कॉपी किया हुआ है सारी चीज़ें, सुमल मल्टी फंक्शनल गेमिंग चेयर और इसकी डिटेल्स मैं फिर से डालूंगा यहाँ पे। मैं फिर से चलता हूँ, ओके ओके, तो मैंने फिर से यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इमेजेस जो है बहुत बड़ा दिख रही है तो आपको अगेन यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जाना है अगेन जनरल सेटिंग के अंदर और यहाँ पे इमेज विड्थ को आपको कस्टम कर देना है। तो यहाँ पे 33 बाय डिफॉल्ट आता है तो यहाँ पे दिख रही है। बाय नाउ बटन के अंदर आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे बटन सेटिंग के अंदर आपको जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन उसी लिंक को डाल देना है जो आपको पर्टिकुलर उस पेज पे अमेजन पेज तक लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, अगेन एड रेल नो फॉलो एड रेल स्पॉन्सर्ड एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको मैंने कंप्लीट कर दी। ठीक है, आप फिर से अगर आप यहाँ पे इस प्रकार से डॉटेड लगाना चाहते हो तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जो कि मेरा जनरल सेटिंग के अंदर मैं फिर से चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डॉटेड को मैं फिर से जो है कुछ इस प्रकार से रखूंगा, इसके कलर को मैं फिर से ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिबन सेटिंग को मैं फिर से चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम जाएंगे रिबन सेटिंग के अंदर और यहाँ पे एनेबल रिबन और यहाँ पे सेल दिख रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे रिबन वन रिबन टू कुछ इस प्रकार से डाल सकते हो। तो यहाँ पे सेल दिख रही है, तो आप इसको सेल पे रहने देना चाहते हो या फिर कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको चेंज करना है, किस प्रकार से इसका कलर वगैरह चेंज करना है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। वेल, मैंने इसको पब्लिश कर दिया और मेरा यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉग साइट जो है यहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पोस्ट को अभी हम लोगों ने व्यू कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारा पोस्ट जो है कुछ इस प्रकार से व्यू हो रही है। अभी हम लोगों को इस साइट को कस्टमाइजेशन करना है और इस साइट के बारे में जो है और भी इसको और भी एनहेंस करना है, इस साइट को कस्टमाइजेशन करना है। कैसे करना है देखिए, अगेन मैं चलता हूँ यहाँ पे कस्टमाइजेशन एरिया में। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा मेनू के अंदर और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू मेनू करूँगा। मेनू नाम डालता हूँ जैसे मेन मेन्यू। ओके, एंड इसको प्राइमरी मेनू सिलेक्ट करूंगा, इसको नेक्स्ट करूंगा। मेनू के अंदर मैं आइटम ऐड करूंगा, तो इसके लिए ऐड आइटम के अंदर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको कैटेगरीज चूज करना है। और यहां पे जैसे मैंने गेमिंग चेयर, गेमिंग लैपटॉप, माउस एंड एक्सेसरीज, इन चार चीज़ें जो है मैंने यहां पे सिलेक्ट कर ली। अभी यहां पे राइट साइड में आपको इन सारी चीज़ें दिखाई देगा, तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा, इसको पब्लिश कर दिया लेकिन फिर भी यहां पे शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो मेन रो है इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पे तीन रो बनता है। एक टॉप रो है, टॉप रो में कुछ भी चीज़ें नहीं है, अभी ब्लैंक्स दिख रही है। मेन रो में आप लोगो एंड साइट आइकन, साइट का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है और मेनू वन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस मेनू वन वन को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे डिफॉल्ट में से हम इसको चूज करेंगे मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू चूज कर लिया। आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें शो होना शुरू हो चुका है, मैं इसको पब्लिश कर दिया। अब टॉप रो में हम चाह रहे कुछ चीज़ें ऐड करना है, तो उसके लिए हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करूंगा और यहाँ से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बैक किया तो टॉप रो के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल रही है। जैसे सबसे पहला एलिमेंट है बटम ऐड करने का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन है, HTML, मेनू वन, सर्च या फिर सोशल नेटवर्किंग जो जो चीज़ है वो ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि सोशल नेटवर्क को ही मैं सबसे पहले टॉप पर दिखाना चाहूँगा, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल दी। तो फेसबुक एंड ट्विटर एंड मेरा जो इंस्टाग्राम है वो यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। राइट साइड में भी मेरे को कुछ चीज़ें दिखाना है, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट्स के अंदर से मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको खींच के यहाँ पे लेके आ गया, तो मेरा कॉन्टैक्ट्स, ईमेल एंड फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में से मेरा फ़ोन नंबर दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरा जो फ़ोन है इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। तो इस क्रॉस बटन के अंदर मैंने क्लिक किया तो ये फ़ोन मेरा हट गया, सिर्फ ईमेल दिखाई दे रही है। तो आप यहां पे इस लिंक को चेंज कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं फिर से यहां पे क्लिक करता हूं, क्लिक किया और फिर से यहां पे देखिए फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम दिखाई दे रही है। आप चाहते हो इसके अंदर और भी आइटम्स को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है देखिए, यहां पर सारे लिस्ट आपको मिल जाएगा, जितने भी सारे सोशल मीडिया है उन सारे सोशल मीडिया का लिस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर यूट्यूब को ऐड करना चाहता हूँ, यूट्यूब को सिलेक्ट करूंगा और इसको ऐड करूंगा। अब इसके अंदर लिंक कैसे ऐड करेंगे, तो लिंक ऐड करने के लिए यहां पर एक ऑप्शन मिल रही है, यू कैन ऐड लिंक्स टू योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो यहां पे आपको क्लिक करना है और जितने भी सोशल मीडिया यहां पे लिस्ट है जो आप यहां पे ऐड किए हो उस बॉक्स में आप लिंक को ऐड कर दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बैक आता हूं, या फिर टॉप रो को मैं फिर से यहां पे क्लिक करके यहां पे क्लिक किया। अब आपको करना कि यहां पे ईमेल आईडी जो है ये दूसरे का है, इसको भी आपको चेंज करना है, तो कॉन्टैक्ट के अंदर आपको आना है, यहां पे पेन का आइकन है इसके अंदर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल दिख जाएगा। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आपको जाना है और यहां पे आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आपको यहां पे डाल देना है। तो यहां पे मैंने डाल देता हूं कॉन्टैक्ट @gmeattoo.com। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये चेंज हो गया। अब इसके कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसका कलर नहीं चेंज कर सकते, ये ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा। इसका कलर चेंज करने के लिए आपको डिजाइन पार्ट के अंदर आपको जाना है और इसका फॉन्ट कलर जो है ब्लैक में दिख रही है, ये लिंक जो है इनिशियली ब्लैक में दिख रही है, यहाँ पे लोगों ने कर्सर लेके जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। अच्छा, आइकन कलर, ये जो आइकन यहाँ पे शो रही है ये आइकन जो है ब्लैक में शो रहा है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि कुछ व्हाइट में शो रहा है, तो इस आइकन कलर को आपको चेंज करना है। इनिशियली जो जो लोगों को दिखेगा ये ब्लैक में और जैसे लोगों ने कर्सर लेके जाएगा तो उसके सामने ब्लू हो जाएगा। राइट, जैसे देखिए लोगों ने कर्सर लेके गया तो ब्लू हो गया। आप चाहे तो इसको और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया पेन के आइकन के अंदर और यहाँ पे डिजाइन पार्ट आपको मिल गया और इसका इनिशियली कलर जो है ब्लैक है। आप चाहे तो इसको रेड करना चाहे रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रेड दिया बहुत अच्छे से लग रहे, तो मैं इसको भी रेड कर देता हूं। मैं अगेन यहां पे पेन कैन के अंदर क्लिक किया, इसके डिजाइन पार्ट पे गया और इसका जो इनिशियल टेक्स्ट इनिशियली कलर जो है वो कुछ इस प्रकार से मैंने रेड कर दी। उसका नीचे का भी जो कलर है उसको भी मैंने रेड कर दिया और यहाँ पे जो आइकन कलर है उसको भी हम चेंज करेंगे, जैसे इनिशियली इसका आइकन कलर को भी हम लोगों ने रेड कर दी। अब इतने अच्छे से यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो कलर है इसको हम अगेन चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने फिर से गया और इसको हम लोगों ने ब्लैक कर दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे से अभी शो हो रहा है, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। ओके, तो मैं फिर से जो है यहाँ पे देख सकते हो इसकी होम पेज के अंदर आया हूँ और मैंने अभी अभी एक ही पोस्ट इसके अंदर किया,
तो इस वजह से यहाँ पे एक ही पोस्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो थंबनेल है वो बहुत बड़ा साइज में सो रहा है यार। लेकिन यहाँ पे पोस्ट तो आप देख रहे हो कि कुछ इस प्रकार से सो रही है, जैसे आप लोगों ने रीड मोड बटन के अंदर क्लिक करेंगे लोगों ने, तो भाई वो जो है इस पोस्ट को रीड कर सकता है। लेकिन मैं फिर से इसका होम पेज पे चलता हूं और इसकी थंबनेल साइज को मैं छोटा करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थंबनेल साइज मेरे को बहुत बड़ा सा लग रहा है। तो मैं फिर से इसकी होम पेज पे क्लिक किया और मैं होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एडिट बटन के अंदर क्लिक करूँगा। एडिट बटन के अंदर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फीचर इमेज दिखाई जा रही है जो कि ब्लॉग पेज है, और यहाँ पे फीचर इमेज को अगर आपने नहीं दिखाना चाहते तो कुछ इस प्रकार से इसको हाइड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पेज को हाइड कीजिए। आप इसको इस प्रकार से ऑन ही रखिए, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ओरिजिनल रेशियो, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ओरिजिनल सेट रहने देना चाहते हो, प्रेफर्ड रहने देना चाहते हो, कस्टम रहने देना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। प्रेफर्ड के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कई तरह का जो आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि 4:3 को अगर आपने सिलेक्ट करेंगे तो इमेज साइज कुछ इस प्रकार से बनेगा, 16:9 को अगर आपने सिलेक्ट करेंगे 16:9 को तो कुछ इस प्रकार से इमेज साइज बनेगा। कुछ आधा सा यहाँ पे चीजें दिख रही है, लेकिन आप अगर थंबनेल इमेज को थोड़ा सा छोटा डायमेंशन पे बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, तो आपका जो है यहाँ पे इमेज साइज भी एडजस्ट हो जाएगा। ये कोई बड़ी काम नहीं है, लेकिन मैं बताया हूँ कि इसका और भी एडवांस एसईओ वाला स्ट्रक्चर वाला वीडियोज में लाऊंगा, उस पार्ट में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। अब और एक चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जैसे रिमोट बटन के अंदर मैंने क्लिक किया, मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे जब लोगों के सामने पोस्ट रैंक कर जाए तो पोस्ट को जब लोग पढ़ने के लिए आए तो उसके सामने इतना सा बड़ा सा इमेज शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एडिट वाले सेशन के अंदर मैं जाऊंगा और यहां पे मैं फीचर इमेज को ऑफ कर दूंगा। अभी आप देखिए पोस्ट दिख रही है और उसके नीचे तो इमेज दिख ही रहा है लोगों को, ठीक है, उसके नीचे इमेज तो लोगों को दिख ही रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इस हिसाब से मैं फीचर इमेज को यहां पे चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहिए, जैसे पोस्ट मेटा, इसको अगर आपने दिखाना चाहेंगे, पोस्ट मेटा का मतलब हो गया कि पोस्ट किसने लिखा है, कितने तारीख को, क्या कॉमेंट्स है, इसको अगर आपने हाइड करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन कस्टमाइजेशन का वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी आप वेट कीजिए, आपको बहुत सारे नए नए चीज़ें जो है इस वाले इस रेसी थीम के साथ मिल जाएगा, एफिलिएट एक्स के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फिलहाल इसको पब्लिश करता हूँ और मैं चलता हूँ इसका एक होम पेज बनाने के लिए। अब देखिए इसका एक होम पेज बनना बहुत ज़रूरी है, तब चल के आपका साइट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, लोग इसका होम पेज को भी जब विजिट करेगा तो इसको एक स्टोर जैसा लगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स अभी बाकी है, मैं लास्ट वाली इसके अगले जो पार्ट लाऊंगा जहाँ वहाँ पे मैं सारे डिटेल बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो अभी फिलहाल के लिए जो इसका कॉपीराइट का सेक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अगेन मैंने यहाँ से कॉपीराइट का सेक्शन जो था इसको हटाया एंड यहाँ पे हम लिखेंगे गेम ATTO गेमाटो मैंने लिख दिया। अब देखिए नीचे ये सारे ये चीज़ें जो है चेंज हो गया होगा, तो मैंने इसको पब्लिश कर दी, वेल पब्लिश कर दिया। मैं फिर से यहाँ से बैक आऊंगा, आप देखिए कॉपीराइट @gamato कोई सा भी जो आपको पेड कॉपीराइट यहाँ पे हटाने की पेड मतलब पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बैक चलता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा इसकी होम पेज एरिया में, तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं अगेन चलता हूँ डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करूंगा, पेज के अंदर चलता हूँ, ऑल पेज के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करूंगा। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल पेज, ये जो सैंपल पेज है इसको भी आप थ्रस्ट कर दीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी को आप रहने दीजिए, बाद में आप इसको मतलब बाद में जब हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे वहां पर हम लोगों ने इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एड न्यू सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने एक पोस्ट लिखेंगे, सॉरी एक पेज का टाइटल देंगे जिसका नाम रहेगा होम। होम टाइटल डालने के बाद हम लोगों ने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने इसको पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के बाद कुछ काम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी एक काम बनता था मैंने उसको नहीं किया था। आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, फिर से आपको जाना होगा प्लगइन एरिया में, ऐड न्यू प्लगइन एरिया में, सर्च प्लगइन पोस्ट एक्स, राइट, ये रहा प्लगइन पोस्ट एक्स, बहुत ही बढ़िया प्लगइन है, ये आपकी साइट को कितना एनहेंस करता है आप देखिए। आपको इसको इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट करना है, ओके कुछ इस प्रकार से जो है आपको ये पोस्ट एक्स का डिटेल्स दिखाई देगा। यहाँ पे एक स्लाइड मतलब ये लेफ्ट येट्स के अंदर आपको जो एक सेक्शन भी बन गया है। अब आपको यहाँ से जाना होगा उस होम पेज के अंदर, ऑल पेज के अंदर आपको फिर से जाना है, उस होम के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे टॉप में आप देख रहे हो कि ब्लॉक लाइब्रेरी का एक सेक्शन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फ्री सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे सारे डिटेल है, आपको यहाँ से फ्री के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिली है मैगजीन 2। तो ये जो मैगजीन 2 है इसको आपको इंपोर्ट करना है आपके इस पर्टिकुलर पेज के अंदर। वेल डन फाइनल गाइस, सो आप देख रहे हो कि यहां पे कुछ इस प्रकार से जो है अभी चीजें दिख रही है, ठीक है।
अब हम लोगों ने इसके अंदर और भी कुछ पोस्ट को ऐड कर दिया है और यहाँ पे कुछ लुक्स के अंदर और भी चेंजेस हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम लोग अभी अभी gamato.com की होम पेज को विजिट करता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज उतना खास नहीं लग रहा है। ऐसे तो यहाँ पे होम जो है बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ आ रहा है और साइड में ये जो साइड बार वगैरह विकेट्स ये भी जो है अच्छा चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को थोड़ा सा सुधार करना था। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये होम पेज पे बहुत सारे थीम का यहीं पे जो है ऑप्शंस मिल जाता है, ये थीम का जो ब्लॉक्स है इसी के अंदर जो है सॉरी ये पेज का जो ऑप्शंस है इसके अंदर ही आपको ऑप्शंस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे शायद ये चीज़ें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक पल के लिए आप क्या करेंगे ना, आप यहाँ से एक बार बैक आ जाइए। चलिए इसको लिव करते हैं, जो भी चीज़ें इसको हम लोगों ने लिव किया और यहाँ से हम आएंगे अपीयरेंस के अंदर और कस्टमाइजेशन के अंदर, राइट। सो हम लोगों ने यहाँ पर आया और आने के बाद देखिए कस्टमाइजेशन एरिया में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना पोस्ट पेजेस, राइट, पोस्ट एंड पेजेस, इसके अंदर जो है एक ऑप्शन आपको मिलता है पेजेस। तो इस पेजेस के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके लिए ऑप्शन क्रिएट होता है ये वाला जो फुल विड्थ वाला जो सेक्शन है, इसको आपको मतलब ये जो लेआउट है इसको आपको चूज करना है। और जैसे चूज करेंगे आप देखिए साइड बार हट गया है। अब आप यहाँ पे पेज टाइटल को ऑफ करना है तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली पेज टाइटल को ऑफ कर देना है। वेल सो अभी देख रहे हो होम पेज कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी इमेजेस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे जो ब्लॉक्स है जो यहाँ पे हम लोगों ने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है उसी की इमेजेस को यहाँ पे दिखाया जा रही है, हम इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज लेआउट बॉक्स फॉर्मेट में आ गया है। कंटेंट एरिया जो है आप इसको इस प्रकार से जो है डिसेबल एनेबल कर सकते हो, कंटेंट एरिया, वर्टिकल स्पेसिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन अभी हम लोगों को जो चाहिए था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको पब्लिश करेंगे, इसको जैसे हम लोगों ने पब्लिश कर देंगे अभी हम इसकी गेम सॉरी इसकी जो होम पेज है gamato.com की उसको एक बार विजिट करते हैं और डन। आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पे जो वो चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी जिस प्रकार से हम लोगों को चाहिए था बहुत खास बन गया है। अभी किसी ने किसी भी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद उसके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगा और पोस्ट का जो थंबनेल सॉरी पोस्ट का जो फीचर इमेज या फिर जो थंबनेल था जो टाइटल के ऊपर या फिर नीचे दिखाई देगा वो हम लोगों को नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि उसका इमेजेस तो हम लोग ब्लॉग पोस्ट के अंदर डाल ही रहा है। अगर आपको करना है तो इमेजेस को आपको अच्छी तरीके से फॉर्मेट करना होगा, आपको कैनवा के अंदर चल के या फिर किसी भी अदर्स इमेज रिसाइजर के अंदर आपको चल के जो है 1200x628 पिक्सल्स का जो इमेजेस बना लीजिए और उसको जो एज ए थंबनेल की इमेज तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। अच्छा आप यहाँ पे और भी एक चीज जो है आपको खास करके ध्यान देने वाला है कि जब भी किसी ने आपकी पोस्ट को रीड कर रहा है एज ए एफिलिएट मार्केटिंग पोस्ट के एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये राइट साइड में जो साइड बार है वो दिखना नहीं चाहिए, वो भी जो है होम पेज की तरह साफ सुथरा हो जाए ताकि लोगों को क्लीन एंड क्लियरिटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले और उसको अदर्स किसी भी जगह क्लिक करने के बजाय उनको ये बाय नाउ या फिर लर्न मोर या फिर एनरोल नाउ या फिर चेकआउट इस बटन पे जो है क्लिक करने के लिए मतलब बटन उसके पास एक ही दिखे ताकि उसका क्लिक्स होने का चांसेस जो है उसी बटन पर पर्टिकुलर बटन पर आ जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भी जो है कस्टमाइजेशन करूंगा, इस पोस्ट का जो विगेट्स है विगेट्स एरिया जो है इसको हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से डिलीट ही कर देंगे। जैसे अगेन हम जाएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर और कस्टमाइजेशन के अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है, राइट। सो यहाँ पे आपको फिर से आना है ब्लॉग पेज, आर्काइव पेज, ऑथर पेज, सर्च पेज, सिंगल पोस्ट, ये है सिंगल पोस्ट। और सिंगल पोस्ट के अंदर से भी हम लोग क्या करेंगे, ये सिंगल पोस्ट एरिया में हम लोग इसको फुल विड्थ कर देंगे, ठीक है, या फिर ये फुल विड्थ या फिर फुल विड्थ सेंटर्ड या फिर फुल विड्थ, इसी को आप चूज कर लीजिए। वेल अब जैसे इसको चूज कर लेंगे देखिए आपका साइड बार यहाँ से हट गया और आपका फुल विड्थ कंटेंट आ रहा है। अगर आप चाहे इसको फुल विड्थ सेंटर करना तो आप इस प्रकार से भी इसको शो करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ इस प्रकार से शो होगा या फिर चाहे तो आप इस प्रकार से शो करवाना तो आप इस प्रकार से भी शो करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका टाइटल तो डेफिनेटली आना चाहिए, कोई इशू नहीं है, आपको टाइटल यहाँ पे डेफिनेटली रखना चाहिए और बाकी जो चीज़ है ये आपका हाइड हो गया, इसको आप पब्लिश कर सकते हो, ये सिंगल कंटेंट के लिए है। अगर मैं फिर से एक बार जो है इसकी होम पेज को विजिट करके आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे अगेन मैं फिर से चलता हूँ यहाँ पे gamato.com पे ऊपर gamato.com gamato.com के ऊपर मैंने फिर से यहाँ पे क्लिक किया और राइट नाउ यू कैन सी योर होम पेज इज रेडी, कुछ इस टाइप से हो गया है। अब हम किसी भी जैसे मान लीजिए इसको हम रेड करने के लिए जा रही है चेयर वाला ऑप्शन को, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिंगल पोस्ट के अंदर जब किसी ने रीड करेगा तो उनके सामने कोई साइड बार नजर नहीं आएगा ताकि उसका चांसेस जो है ज्यादा से ज्यादा इस बटन पर क्लिक करने के लिए आए ताकि साइड में जो भी चीजें हैं पोस्ट के अंदर भी जो आपको साइड बार वगैरह नहीं दिख रहा है। सो अगेन फिर से एक बार चेकआउट करके देखते हैं होम पेज कुछ इस टाइप से हो गया है। अब मैं इसका और भी एडवांस वर्जन लाऊंगा, मतलब ये इस साइट का और भी एडवांस वर्जन बहुत जल्द आने वाला हूँ जहां पे मैं और भी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको और क्या क्या सेटिंग्स जो है इसके अंदर
घुसना है, ठीक है, ताकि आपका साइट जो अच्छे से अच्छे रैंक करे। होम पेज हम लोगों का कुछ इस टाइप ऑफ बन गया। कैटेगरीज पेज को अगर आपने देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आपको जाना है। जैसे कैटेगरीज के अंदर आपने गया और यहाँ पे गेमिंग चेयर, रिसेंट पोस्ट, फिर से जो यहाँ पे थोड़ा सा साइड बार वगैरह और भी हम लोग इसको एनहेंस करेंगे, क्योंकि फ्री में चीज़ों को एनहेंस करने के लिए मेरे को भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस प्रकार से फ्री में चीज़ों को और भी एनहेंस किया जाए। लेकिन बाय द वे अभी जो आपका होम पेज हो गया एंड आपका जो पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट हो गया वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा लोगों के सामने, और जो कि बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे पोस्ट के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि स्लाइडर भी है, प्रीवियस पोस्ट को इस प्रकार से स्लाइड करके लोग पढ़ पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पोस्ट को भी जो लोग इस प्रकार से स्लाइड करके पढ़ पाएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से स्लाइडर भी आपको मिल गया। और यहाँ पे टॉप में आप हर एक जगह देख सकते हो कि आपको जो है सेलो स्ट्रक्चर या फिर जो आपका ब्रेड कैम SEO है वो कंप्लीटली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। कोई इशू नहीं है, आप बेबीजेक इसको इस प्रकार से लॉन्च कीजिए। मैं इसका एडवांस वर्जन लाऊंगा जहाँ पे मैं और भी अच्छी तरीके से कस्टमाइजेशन करना सिखाऊंगा, लेकिन मेरे को भी खुद जो है इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा चीजें फ्री के अंदर बेस्ड है और फ्री में किस प्रकार से आप इसको एनहेंस कर सकते हो। आप जैसे आपका साइट थोड़ा सा ग्रो हो जाए तो आपको थोड़ा सा करना क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूं। आपको ये जो एफिलिएट एक्स प्लगइन है इसको आप प्रो वर्जन में लेके जा सकते हो, ताकि पैसा तो सिर्फ इसी प्लगइन के वजह से आपके पास आने वाला है, क्योंकि इसी प्लगइन के थ्रू जितना क्लिक्स आएगा उतना ही पैसा जो है आपके अकाउंट्स में प्लस होता जाएगा। तो जितना पैसा आने वाले टाइम पे आएगा तो आप डेफिनेटली इसको जो है इसको मतलब अपग्रेड कर सकते हो। एक पल के लिए आप इसको देख सकते हो कि इसका प्राइस अपग्रेड करने से आपका क्या पैसा चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा क्लिक करके मैं दिखाई देता हूँ आपको कि क्या क्या पेड्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे क्राफ्ट प्लगइन्स का ये प्लगइन है। अगर आप एक साल के लिए लेना चाहते हो सोलो वाला प्लान यानी वन डोमेन लाइसेंस के साथ, तो आपको जो है 49 पर ईयर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। प्रोफेशनल वाला जो प्लान है 5 डोमेन लाइसेंस के लिए वो 99 पर ईयर के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका प्लान और भी जो है सस्ता होने वाला है। एक्सपर्ट वाला जो प्लान है 25 डोमेन के लिए वो $150 के आसपास, और $200 में आपको जो है 100 डोमेन लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको फिल्टर करेंगे लाइफ टाइम पे तो आप देखिए सिर्फ दुगना चार्ज किया जा रही है, लेकिन आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीजें बिल्कुल दिया जा रहा है एफिलिएट एक्स की तरफ से। तो आप इसको जो आने वाले टाइम पे एनहेंस कर सकते हो, इसको अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी फ्री के साथ शुरुआत डेफिनेटली कर सकते हो। तो गाइस, आई होप कि यहां तक आपने वीडियो को देख ली तो आपने बहुत कुछ नया चीजें सीख गए होंगे। अब इसका एक एंड पार्ट यानी इसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां पे हम कंप्लीट SEO स्ट्रक्चर, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखेंगे, कहां कहां पे आपको मार्केटिंग करना है, उसका डिटेल्स मैं यहां पे एक वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द उस वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पर ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यार मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।